किसान भाइयों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी दुनिया में। आज मेरे फार्म पर श्री अनिल, कैप्टन अनिल सांडियाल जी आए हैं, जो मेरे गांव के पास ही एक पहाड़पुर गांव है नागल के पास में, और ये रुड़की में रहते हैं। ये भी जैविक खेती करते हैं और इन्होंने अमरूद के कुछ पेड़ लगाए दिए, तो इनको मेरी वीडियो से पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो पहली बार तो दूर दूर के लोगों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, मेरे से जुड़े। अब मेरे गांव के आसपास के भी चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरे गांव वाले भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, जो कि मुझे अभी तक थोड़ा सा कहते हैं कि दिमाग खिसक गया है, पागल है, इस तरह की बात करते हैं। चलिए मिलिए अनिल सांडियाल से। इन्होंने मेरे से बहुत चर्चा की है कि आप कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, खाद कैसे करते हैं, जैविक खेती में क्या करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर का क्या प्रयोग है, तो मैंने बहुत बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके विचार क्या हैं और क्या ये इनको अच्छा लगा या कैसा लगा। तो अनिल जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन्हें बेबाक होकर अच्छी हो तो अच्छी बताएं और गलत हो तो गलत बताएं, जो भी चीज़ हो आप मेरे किसान भाइयों को बताइए अनिल भाई, और अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मैं मर्चेंट नेवी का कैप्टन हूँ और मेरा पास में ही गाँव है, एक पहाड़पुर छोटा सा गाँव है, तो वहाँ पर मैं बागवानी करता हूँ और करीब 8 साल से कर रहा हूँ पीछे। और हालत ये थी कि हमें भी अपने गांव में, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना और गेहूँ ही होता है ज़्यादातर, तो लोग बात समझ नहीं पाते थे कि कर क्या रहे हैं। और आज डॉक्टर साहब के फार्म पे आके बहुत अच्छा लगा, नई नई बातें सीखने को पता चली। स्पेशली वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम पूर्ण से जैविक कर रहे थे, लेकिन सिद्धांत वही हैं, थोड़े से रास्ते अलग हैं, इस प्रकार से मेरी समझ में कुछ आया है। और इनके वीडियो बहुत लाभकारी होते हैं, जो कि छोटी छोटी टिप्स से, हम सब लोग, भारत कृषि प्रधान देश है, सब लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, छोटी छोटी टिप्स बहुत पता चलती हैं। तो यही मैं कहूँगा एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। चलिए, तो ये थे अनिल, कैप्टन अनिल सांडियाल जी, और जो मुझे भी अच्छा लगा कि ये आए हैं, और अगर इस बारे में आपके भी प्रश्न हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे तो मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मैंने करीब 4 फ़ोन कॉल जो है ना काटी हैं, और उनको मैं अब इनके बाद में जाने के बाद में मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।